हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है टॉपिक फंजाई, कवक पर आज होने वाला है हमारा यह लेक्चर। और हमारे इस लेक्चर को अगर आपने आज देख लिया तो बिल्कुल आपका कवक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा गाइज, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पूरी इस टॉपिक का निचोड़ हमने निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने लेक्चर को गाइज, देखिए और समझिए। गाइज, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि TGT में आपके टोटल फंजाई से कितने जिनेरा हैं। तो TGT में टोटल 8 जिनेरा शामिल किए गए हैं। तो 8 जिनेरा में आप देख लीजिए कैसे इसको आप देखेंगे कि 8 जिनेरा कौन कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस कि ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए से दो है, एक एल्ब्यूगो है, दूसरा एगेरिकस है। पी क्यूब का मतलब पी तीन बार है, पाइथियम है, पक्सीनिया है, पेनिसिलियम है, एल्बिगो एगेरिकस, पाइथियम, पक्सीनिया और पेनिसिलियम। और यम से है म्यूकर, और आर से राइजोपस, और यस से सेकेरोमाइसिस, अथवा कह सकते हैं इसे ईस्ट। ये TGT में टोटल जो है 8 जेनेरा हैं। और हालांकि अभी आज का जो हमारा लेक्चर है टोटल निचोड़ है गाइस, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, और इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है PDF प्राप्त करने की गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए बिल्कुल बेस से लेकर के हमने स्टार्ट किया है गाइस। बिल्कुल बेस से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर, आप आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें, पहला पॉइंट जो फंजाई की हम बात करें गाइस, यह है फंजाई। फंजाई जो कवक शब्द है ये प्लूरल है, प्लूरल, और ये किससे बना है? फंगस से। और जो फंगस है ये शब्द सिंगुलर है, एक वचन है, और ये बहुवचन है। और इस ये जो फंगस है कैसा, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है मशरूम। देखिए यहाँ देख लीजिए, फंजाई मीन्स क्या होता है? फंजाई मीन्स होता है मशरूम, जिसे आप सामान्य भाषा में आप कहते हैं कुकुरमुत्ता कहते हैं गाइस, ठीक है, जो आप देखते हैं कि गोबर ओबर पे उग जाता है अक्सर। और कुछ रोटी वोटी आप देखते हैं तो रोटी वोटी में भी कहीं फफूंदी लग जाते हैं, अचार में लग जाता है, काफ़ी समय तक रख दीजिए तो सफ़ेद सफ़ेद से तो वो बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। फिलहाल मैं आज जो बात करने वाला हूँ पूरा देखिए कॉन्सेप्ट आपका, इसमें जो कवक है, कवक की लगभग 50,000 से ज्यादा स्पीसीज ज्ञात हैं। कवक की 50,000 से ज्यादा स्पीसीज क्या हैं? ज्ञात हैं। और इस कवक से संबंधित जो एक इंस्टीट्यूट है बड़ा डेवलप किया गया है वो कहाँ है? पूसा इंस्टीट्यूट। पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है? बिहार में गए, इसे आप ध्यान रखिएगा, पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है? बिहार में। अब बात करते हैं कि कवक, अब बेसिक से शुरू करते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी, यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है माइकोलॉजी। दूसरा मैंने बता ही दिया कि फंजाई का मतलब क्या होता है? मशरूम होता है। और ये अगली बात देखिए कि नेम फंजाई वाज गिवन बाय कैस्पर बाउहिन, यानी जो फंजाई नाम है ये किसने दिया? कैस्पर बाउहिन ने दिया गाइस। फंजाई नाम किसने दिया? कैस्पर बाउहिन ने दिया फंजाई नाम, ठीक है। अगली बात क्या है गाइस, अगली पॉइंट्स को आप देखिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? पी ए माइकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? पी ए माइकेली को कहते हैं फादर ऑफ फंजाई गाइस। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि फादर ऑफ ये पी ए माइकेली हो गए, और इनकी एक बुक है, पी ए माइकेली की एक बुक है, वहां पर आप ध्यान दीजिए, नोवा प्लांटेरम जिनेरा, नोवा प्लांटेरम जिनेरा पी ए माइकेली की एक बुक है जिनमें इन्होंने कवक के बारे में बताया है। अगली बात यह कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइस? एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। अब यह भी बात यहां पर ध्यान देने योग्य है गाइस। अगली बात देखिए कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो किसे कहा जाता है? इंडियन माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ईजे बटलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गाइस? यहां पर ध्यान दीजिए, तो कहा जाता है ईजे बटलर को कहा जाता है, यहां देखिए ईजे बटलर। और इनकी एक बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, ये इनकी एक बुक है। किनकी बुक है? ईजे बटलर की। अगली बात यहां पर ध्यान दीजिए कि फंजाई ग्रो वेल एट
20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर यह अच्छे से डेवलप करता है। जो कवक है इसके लिए टेम्परेचर जो है बहुत अच्छे, मतलब ग्रो करने के लिए अच्छा टेम्परेचर कितना है गाइज, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंड एसिडिक पीएच जो है वह कितना होना चाहिए, 6.6 होना चाहिए। इसका जो अम्ली पीएच वो कितना है, 6 होना चाहिए। 6 पीएच 6 पर यह अच्छे से ग्रो करता है और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर गाइज। आप जानते हैं कि अगर 7 है किसी का पीएच मान तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्ली होता है, 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय माध्यम में चला जाता है, आप जानते हैं। अब यहां पर अगली बात देखिए जरा, स्मॉलेस्ट फंगस कौन है, सबसे छोटा जो कवक है वह कौन है, वह है ईस्ट है। सबसे छोटा कवक कौन है गाइस, ईस्ट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब सबसे बड़ा कवक कौन है। तो ये मैंने बात किया सबसे छोटे कवक की, सबसे जो छोटा कवक है वह तो हो गया गाइस ईस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट हो गया। लार्जेस्ट फंगस कौन है, गैनोडराइन एप्लेंटम गाइस। ये कौन है, गैनोडराइन एप्लेंटम सबसे बड़ा कवक है। इसे एक नाम और देते हैं, ब्रैकेट फंगस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंगस कहते हैं। और ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक होता है, लार्जेस्ट फंगस, ठीक है। अगली बात ये देखिए, यहाँ पर एक हेटरोथैलिज्म से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हेटरोथैलिज्म की खोज किसमें की गई और किसने किया। तो हेटरोथैलिज्म की जो खोज किया वो किसने किया, ब्लैकेस्ली ने किया। किसने, ब्लैकेस्ली ने किया हेटरोथैलिज्म की खोज। और किसमें खोजा, म्यूकर म्यूसिडो में, म्यूकर म्यूसिडो में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस, ठीक है। अगली बात देखिए यहां पर, जी पांटी कार्वो एंड रोपर ग्लासगो, ठीक है। इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया, कवक में पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बताया। और वह कौन सा कवक था जिनमें बताया, एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस निडुलेंस में बताया गाइस, ठीक है। तो ये सब जो है जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैं कलेक्ट करके पूरा, अगर मैंने बताया कि यह लेक्चर अगर आपने देख लिया, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह लेक्चर आपने देख लिया तो आपको जितना भी अलग जगहों से आप फंजाई पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ते हैं या जितना पढ़ चुके हैं, सब कुछ का कलेक्शन एक ही जगह मिलेगा। अलग अलग जगहों से और कहां से क्वेश्चन कैसा बना है, सब कुछ बहुत ही मेहनत हुआ इस पर गाइस। अगर आपको ये राइटिंग छोटा छोटा सा समझ में आ रहा है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हालांकि जो इसकी पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करने की आपको प्रोसेस बताने वाला हूं गाइस, ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं अन्य लोगों ने इसका पीडीएफ भी प्राप्त किया है, जैसे इसका जो वायरस हो गया था, बैक्टीरिया हो गया था, माइकोप्लाज्मा हो गया था, लाइकेन हो गया था, उनके पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन हाँ शुल्क है बहुत कम गाइस, ठीक है। देखिए अब यहां अगली बात है, ए फ्लेमिंग यानी फ्लेमिंग ने क्या किया था, पहला एंटीबायोटिक खोजा था फ्लेमिंग ने। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किया था वह था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज हुई थी, खोजा था फ्लेमिंग ने। अब किससे निकाला था इसको, इसको निकाला था पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम से, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम इससे निकाला था गाइस, ठीक है। अगली बात, बीडल और टाटम ने एक 101 एंजाइम थ्योरी दिया था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये इसको किस पर, इससे संबंधित जो प्रयोग किया था, यह किया था न्यूरोस्पोरा क्रायसा पर। इस पर न्यूरोस्पोरा क्रायसा, ये फंगस भाई इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीडल टाटम की 101 एंजाइम थ्योरी की चर्चा कर लिया गाइस। अभी थोड़ा सा केसी मेहता है, इनको देखिए, केसी मेहता ने किन पर काम किया था, क्रेसी मेहता वर्क डन रस्ट फंगस पर, यानी रस्ट प्रकार किया था, रस्ट डिजीज प्रकार किया था, जो कि रस्ट किससे संबंधित है, पक्सिनिया से गाइस, पक्सिनिया से। अब अगली बात देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स हैं फंजाई के, कि फंजाई ए क्लोरोफिलस होता है, कवक जो है ये जो है इसमें हरित लवक नहीं होता है, अर्थात ये ए क्लोरोफिलस होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ए क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। स्पोर बियरिंग, ये क्या किसको धारण करते हैं, ये स्पोर को धारण करते हैं। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए स्पोर बियरिंग होते हैं, ए क्लोरोफिलस होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी हैबिटेट की बात करें, तो हैबिटेट इनका है यूबीक्विटस। यूबीक्विटस का मतलब आप कह सकते हैं ये है सर्वव्यापी, मतलब सर्वव्यापी हर जगह यह विद्यमान है, सर्वव्यापी है गाइस। और इसमें सर्वव्यापी का मतलब क्या है, ये इसे आप एक भाषा और कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक, विविधपोषी गाइस, विविध पोषी, विभिन्न प्रकार के ये पोषण अपना लेता है, विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कुछ सैप्रोफाइट्स हैं सड़े गले मृतकारिणी पदार्थों से, कुछ कवक हैं जो अपने पोषण को लेते हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं जंतुओं अथवा पौधों से
जो है अपना पोषण लेते हैं, कुछ सिम्बियोंट दिखाते हैं, सिम्बियोसिस दिखाते हैं, सहजीविता दिखाते हैं, जैसे माइकोराइजा है या लाइकेन के अंदर जो एल्गी है और फंजाई है वो इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन मिलता है गाइस माइकोराइजा और लाइकेन में। तो इस प्रकार से ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं गाइस। चलते हैं अगली, इसकी खास बात क्या है उसकी भी हम चर्चा करते हैं गाइस। देख लीजिए आपको बिल्कुल निचोड़ मिलने वाला है गाइस, कोई जो है इसमें फालतू का पॉइंट नहीं है, कोई आपका बेकार टाइम स्पेंड नहीं जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। हाँ थोड़ा सा राइटिंग अगर आपको थोड़ी सी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देने का प्रयास करता हूँ, ये बड़ा कर देता हूँ गाइस। देखिए अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगर इसके हम न्यूक्लियर स्टेटस के बारे में बात करें तो ये यूनि अथवा बाई अथवा मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यूनि बाई अथवा मल्टी, और होमो अथवा हेटरोकैरियोटिक होता है। ठीक है, होमो अथवा कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस समान प्रकार के भी हो सकते हैं और वो हेटरो भी हो सकते हैं, विषम प्रकार के भी हो सकते हैं गाइस। ये फंगस क्या होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं, मॉइस्चर लविंग यानी आर्द्रता से इसका स्नेह होता है, जहां नमी होगी वहीं होंगे। कोई देखिए जो दाद होता है जानते हैं कि वो अभी कवक के द्वारा होगा, तो वहां जब नमी लगातार बनी रहती तब भी हो जाता है गाइस, जहां पर भी नमी होगी। अब देखिए अगली बात, एंड टेरिस्टियल, ये कैसे होंगे, मॉइस्चर लविंग टेरिस्टियल, बट फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ कैसे होते हैं, कुछ जलीय भी होते हैं गाइस। अब ये इनको तो आपको ध्यान देना है जो जलीय होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जलीय, जैसे एकाइला हो गया, एकाइला सेप्रोलेग्निया हो गया, मोनोब्लिफेरिस हो गया, एकाइला सेप्रोलेग्निया लेग्निया मोनोब्लिफेरिस, इनको क्या कहा जाता है, वाटर माउल्ड्स कहा जाता है, क्योंकि कहाँ होंगे ये जल में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वाटर माउल्ड्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एकाइला को ध्यान रखिएगा, सेप्रोलेग्निया और मोनोब्लिफेरिस को वाटर माउल्ड कहा जाता है इनको। अगली बात, इनका थैलस कैसा होता है, इनका थैलस जो है ब्रांच एंड फिलामेंटस होता है, शाखित होता है, तंतुवत होता है गाइस, ब्रांच एंड फिलामेंटस होता है। अगली बात, ये यूनिसेलर, हाँ यूनिसेलर फंजाई कौन होते हैं, वैसे तो मल्टीसेलर होते हैं लेकिन यहाँ दो फंजाई के नाम ऐसे हैं जो एक कोश की होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, तो वो कौन कौन से, एक तो हो गया ईस्ट हो गया, दूसरा सिनकाइट्रियम हो गया। ईस्ट और सिनकाइट्रियम ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए विदाउट माइसीलियम, अब भाई अगर यूनिसेलर है तो इसमें माइसीलियम नहीं होगा, क्योंकि इनका जो थैलस है वो बना होता है किसका, हाइफी का, और हाइफी ही जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाते हैं। अब देखिए इसकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं गाइस, इनमें जो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, सेक्स ऑर्गन इनका यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है, इनमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता इनके जीवन चक्र में, देख लीजिए नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल, यानी इनके जीवन चक्र में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है गाइस, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल कमा सेक्सुअल अथवा पैरासेक्सुअल, यानी अलैंगिक, लैंगिक अथवा पैरा सेक्सुअल, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है स्पोर के थ्रू होता है, यह भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें टोटल और टोटल जो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल जो भी प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, वह होता है स्पोर के थ्रू होता है गाइस, स्पोर के थ्रू। और इनका जो थैलस होता है, देख लीजिए इनका जो थैलस होता है वो किसका बना होता है, थैलस मेड अप ऑफ हाइफी, किसका बना होता है, हाइफी का बना होता है। और ये हाइफी कैसा होता है, ये जैसे जाल नहीं होती है वैसे सूत्रवत धागिन व संरचना होती है, और बिल्कुल नेटवर्क जैसा बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, यही हाइफी मिलकर के जाल जैसी वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो इनका थैलस हाइफी का बना होता है, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माइसीलियम। अब अगला जो पॉइंट्स हैं वह तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगला जो पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसकी हम बात करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं आखिर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनका जो इनकी जो सेलवाल होती है, सेलवाल मेड अप ऑफ काइटीन, किसकी बनी होती है इसकी सेलवाल, वो बनी होती है काइटीन की, किसकी बनी होती है गाइस, देख लीजिए ये बनी होती है काइटीन की, इनकी सेलवाल किसकी बनी होती है, वो होती है काइटीन की। और काइटीन का फार्मूला याद देख लीजिए, C22H54N4O21। ठीक है, यहां देख लीजिए C22 H54 और N4O21
होल्ड यन यन, ये है काइटिन। हो सकता है घुमा करके काइटिन का आपसे फार्मूला ही पूछ ले। और ये काइटिन कैसा होता है, होमोपॉलीमर है, जो किसका मतलब होता है नाग। आप जानते हैं नाग का मतलब क्या है, यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये एक प्रकार का क्या है, ये होमोपॉलीमर है गाइस नाग। तो ये कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है, कवक की, तो इसकी सेलवाल कहीं आपको काइटिन एंड फंगल सेलुलोज भी मिल सकता है, काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। और सेलुलोज की कहां बनी होती है, अभी मैं बात करता हूं। देखिए वैसे तो मुख्यतः जो काइटिन की बनी होती है। अब इनके जो हाइफी की मैं बात करूंगा, इस हाइफी, हाइफी यहां पर देखिए दो प्रकार की है, एक तो एसेप्टेट और दूसरा सेप्टेट, ठीक है। एसेप्टेट पटहीन और ये पटयुक्त, ठीक है। पटहीन का मतलब क्या है, ऐसे होगे इसमें कहीं सेप्टा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बीच बीच में ऐसे सेप्टा होंगे इस सेप्टेट में, ठीक है, सेप्टेट में सेप्टा होंगे। एसेप्टेट देखिए, एसेप्टेट कैसे होंगे गाइस, यहां पर ध्यान दीजिए, एसेप्टेट, तो ये एसेप्टेट है हाइफी इस तरीके से, एसेप्टेट और ये सेप्टेट है। एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, बहुत ज्यादा पूछा गया है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक कंडीशन होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और हाइफी एसेप्टेट और सीनोसिटिक किसमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। किसमें, फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। और फाइकोमाइसिटीज में भी इसका जो क्लासिफिकेशन आगे चलेंगे तो ओमाइसिटीज है। ओमाइसिटीज में जो कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कवक में किस समूह में कवक, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो किसमें होती है, ओमाइसिटीज में, क्योंकि ये प्रारंभिक थे, यानी जैसे ही एलगी से वो बाहर आ रहे थे यानी जल से स्थल की ओर, वैसे इनका विकास हो रहा था। फाइकोलॉजी आप जानते हैं वो क्या है, शैवालों का अध्ययन, तो ये थोड़ा सा उससे भी करेक्टर अपना बिलोंग करता है। यहाँ देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है, फाइकोमास्टीज के एग्जाम्पल है जैसे म्यूकर है, एल्ब्यूगो है, राइजोपस है, म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस। और जो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट हाइफी, ये देखिए एसेप्टेट सिनोसेटिक, ये फाइकोमाइसिटीज का एक करेक्टर है, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का करेक्टर है। और सेप्टेट जो हाइफी होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज, इनके करेक्टर है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज इनके करेक्टर है। अब यहां पर एक प्रश्न और आपका बन सकता है, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई अथवा ब्रैकेट फंजाई अथवा पफ बाल्स भी कहते हैं, ठीक है। तीन नाम है यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज के, एक तो क्लब फंजाई, दूसरा ब्रैकेट फंजाई, तीसरा पफ बाल भी कहते हैं इस। और ड्यूटीरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई हो गया। अब सैक फंजाई के एग्जाम्पल ईस्ट है, पेनिसिलियम है, क्लेविसेप्स है, स्पर्जिलस है और न्यूरोस्पोरा है गाइस। अब इनके जो बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल, एगेरिकस पक्सिनिया और अस्टिलागो, एगेरिकस पक्सिनिया और अस्टिलागो। ड्यूटीरोमाइसिटीज में जैसे अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, कोलेट्राइकम हो गया, ठीक है, अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, कोलेट्राइकम हो गया, ये किसके हैं, ये ड्यूटीरोमाइसिटीज के हैं। ड्यूटीरोमाइसिटीज की एक विशेषता और होती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है गाइस। क्या, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है ड्यूटीरोमाइसिटीज में, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और बेसिडियोमाइसिटीज का एक करेक्टर है जो बहुत सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वह है इसमें डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। वैसे देखिए सेप्टेट एसेप्टेट यहां पर देख रहे हैं, सेप्टा तो है ही, लेकिन इस विशेष प्रकार का सेप्टा है क्या है, डॉलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है गाइस। डॉलीपोर सेप्टा प्रेजेंट किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। जो इनकी जो आकृति होती है वो बैरल शेप्ड होती है, कैसे होती है, बैरल शेप्ड, इसमें जो छिद्र होता है पेरेंथोसोम कहा जाता है गाइस उसे, क्या कहते हैं, पेरेंथोसोम कहते हैं, देख लीजिए पेरेंथोसोम। तो आगे ये तो पॉइंट्स हो गए, अब थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं गाइस, ठीक है। लेकिन यह लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। लेकिन अभी मैं आगे पूरा, मैंने बताया कि एक ही लेक्चर में सब कुछ फिनिश करने वाले हैं, तो अभी ये लेक्चर फिनिश नहीं हुआ, देख रहे हैं आप कि कितना निचोड़ है, कितना अच्छा से कलेक्शन किया गया इसका गाइस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो काप्रोफिलस, एक शब्द आता है कैप्रोफिलस, काप्रोफिलस क्या है, जब फंजाई कहां उगाए, ग्रोविंग ऑन डंग, ठीक है, यानी जो गोबर होता है, लीद होता है, ठीक है, उस पर जब उगते हैं फंजाई उत्सर्जी पदार्थों पर, तब उसे कहते हैं कैप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस। जैसे म्यूकर और पिलोबोलस,
ये म्यूकर कहाँ उगता है, ये उगता हॉर्स डंग यानी घोड़े की लीद पर, गई घोड़े की लीद पर ये ग्रो करता है। कौन ग्रो करता है, ये म्यूकर है। अब म्यूकर में ही एक स्टेज होती है टॉर्बुला स्टेज, बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्बुला स्टेज पाई जाती है किसमें, म्यूकर में। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये तो हो गया जो सर्जी पदार्थों पर उगते हैं। दूसरा है किरेटिन फिलस, किरेटिन फिलस ये किसे कहते हैं, ग्रो ऑन हेयर, जो कहाँ उगते हैं हेयर्स पर उग जाते हैं उन्हें किरेटिन फिलस कहते हैं फंगस। और एक है लिग्नोफिलस, लिग्नोफिलस किसे कहते हैं, जो ग्रो ऑन वुड, जो कहाँ उगते हैं लकड़ी पर उगते हैं। एक शब्द और है इसके लिए लिग्नोकोलस, ठीक है। अब इपीफाइटिक फंजाई किसे कहते हैं, इपीफाइटिक फंजाई, इपीफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल है गाइस जैसे अर्मिलेरिया। क्या है अर्मिलेरिया, ये इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक रोग होता है रेड रॉट ऑफ एप्पल, क्या कहा जाता है उसे, रेड रॉट ऑफ एप्पल कहा जाता है। और कुछ जो फंजाई हैं वो सिम्बियोटिक होते हैं, अर्थात सहजीविता दिखाते हैं, सहजीवी करेक्टर शो करते हैं। जैसे सहजीवी का जो करेक्टर है वो लाइकेन में और माइकोराइजा, लाइकेन में आप जानते हैं कि एलगी और फंजाई दोनों का जो है एसोसिएशन होता है, और माइकोराइजा क्या है, कवक का जब उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ संबंध होता है तब उसे क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो देख लीजिए जरा, ये है सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक जैसे लाइकेन है और ये है माइकोराइजा। तो लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन में जो फंजाई के ग्रुप होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, वो फंजाई के एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं जो लाइकेन बनाने में भाग लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इसी की एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। अब माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा में आप देखिए, माइकोराइजा किसे कहते हैं, फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी उच्च कुल की पौधों की जड़ों के साथ फंजाई का संबंध, कवक का संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। उच्च कुल की पौधों की जड़ों के साथ कवक का संबंध माइकोराइजा कहलाता है। अब ये माइकोराइजा दो रूप में होता है, एक तो इक्टोट्रॉफिक और दूसरा इंडोट्रॉफिक। इक्टोट्रॉफिक का एग्जाम्पल जैसे पाइनस में, पाइनस ये है इक्टोट्रॉफिक का एग्जाम्पल, इंडोट्रॉफिक का एग्जाम्पल जैसे आर्चिड में, किसमें, आर्चिड में गाइस। एक है प्रीडेसियस फंजाई, प्रीडेसियस फंजाई जो कहाँ होता है, लिव अपॉन एनिलिड्स, कहाँ होते हैं, एनिलिड पर, ईलवर्म, निमेटोड, रोटिफर्स, ठीक है, इन सब पर होता है, तब उसे क्या कहते हैं, प्रीडेसियस फंजाई। इसका एग्जाम्पल जैसे डैक्टिलेरिया है, क्या है, डैक्टिलेरिया इसका एग्जाम्पल है। अब अगला है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक जो फंजाई है इसमें भी दो रूप हैं, एक तो इक्टोफाइटिक और दूसरा इंडोफाइटिक। इक्टोफाइटिक मतलब जो, फाइटिक मतलब क्या, प्लांट्स हैं, इक्टो मतलब बाहर, पौधों के बाहर, और एक इंडोफाइटिक पौधों के अंदर, ठीक है, इंडोफाइटिक के रूप में। तो इक्टोफाइटिक इसका एग्जांपल है जैसे इरिस्फी, ये जो उत्पन्न क्या करता है, पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है, इरिस्फी पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा, इरिस्फी के द्वारा। और इंडोफाइटिक में जैसे एल्ब्यूगो है, फाइटोप्थोरा है और अल्टरनेरिया है, ठीक है, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया। अब एक कंडीशन और है, यहाँ पर चलते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं गाइस, कि आखिर ये पॉइंट्स क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेक्टेनकाइमा, प्लेक्टेनकाइमा क्या है इसको देखते हैं कि आखिर ये प्लेक्टेनकाइमा क्या है गाइस। When mycelium is interwoven to form web-like, जब mycelium जो है आपस में उलझ करके एक web-like संरचना बनाती है तब उसे क्या कहते हैं, प्लेक्टेनकाइमा। और ये दो प्रकार का, एक प्रोजो प्लेक्टेनकाइमा और एक स्यूडो पेरेनकाइमा है, स्यूडो पेरेनकाइमा। फिलहाल ये टर्म था, टर्म को मैंने शामिल कर दिया। स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। When mycelium forms कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर, जब एक सघन रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है माइसीलियम तब उसे स्क्लेरोटिया कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे स्क्लेरोटिया किसमें बनता है, क्लेविसेक्स परप्यूरिया में, जो क्या उत्पन्न करता है, कॉज्ड इरगॉट डिजीज ऑफ बाजरा, क्या करता है, ये बाजरे में इरगॉट रोग उत्पन्न करता है, क्लेविसेक्स परप्यूरिया। देख लीजिए यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्की हल्की संरचना, जो बाहर से बहुत सघन संरचना है वो स्यूडो पेरेनकाइमा है, अंदर जो हल्की सी है वो है प्रोजेन प्लेक्टेनकाइमा। अब एक टर्म है यहाँ पर राइजोमार्फ, राइजोमार्फ, तो गाइज राइजोमार्फ को भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, राइजोमार्फ क्या है। राइजोमार्फ, व्हेन माइसीलियम फॉर्म थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जब माइसीलियम एक मोटी कॉर्ड लाइक संरचना बनाती है लाइक रूट, जैसे क्या होती है, जड़, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जड़ में मोटी
कार्ड लाइक संरचना बन जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? राइजोमॉर्फ। और ये राइजोमॉर्फ जो है किसमें मदद करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, किसमें? अवशोषण में मदद करता है। ये राइजोमॉर्फ किसमें होता है? एगेरिकस में गाइस। किसमें? एगेरिकस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइजोमॉर्फ। थोड़ा सा यहाँ एक स्लाइम मोल्ड्स की बात आती है। स्लाइम मोल्ड्स किसके सदस्य होते हैं? मिक्सोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, जैसे फाइजेरियम। क्या है? फाइजेरियम। गाइस जब यहाँ एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने नोट कर रखा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे अस्टिलाइगो का संबंध किससे? स्मट फंजाई। अस्टिलाइगो स्मट फंजाई, यूएस, ठीक है, यूएस आप याद रखिएगा, अस्टिलाइगो स्मट फंजाई। और पक्सिनिया रस्ट फंजाई होता है, और इरिस्फी पाउडरी मिल्ड्यू, ये बहुत बार बार पूछे गए हैं। अगर पाउडरी मिल्ड्यू हो गया तो डाउनी मिल्ड्यू भी है। पाउडरी मिल्ड्यू, इरिस्फी, डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा? उमाइस्टिस के सदस्यों के द्वारा होता है, उमाइस्टी के सदस्यों के द्वारा। अब थोड़ा अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है फ्रूटिंग बॉडी से। तो गाइस हम फ्रूटिंग बॉडी से बात करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो कैसा बनता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये फ्रूटिंग बॉडी से संबंधित जो प्रश्न है इसको भी देख लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य कोई जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे कहते हैं एस्कोकार्प। और ये एस्कोकार्प तीन प्रकार का होता है, कह दीजिए फ्रूटिंग बॉडी तीन प्रकार की पाई जाती है इसमें एस्कोमाइसिटीज में। वो तीन प्रकार में है, पहला है एपोथीसियम, दूसरा है पेरीथीसियम, और तीसरा है क्लिस्टोथीसियम। एपोथीसियम, पेरीथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। तो एपोथीसियम में फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक होती है, एपोथीसियम में कप लाइक, पेरीथीसियम में फ्लास्क लाइक होती है, और क्लिस्टोथीसियम में ग्लोबोज अथवा बाल लाइक, अथवा कह दीजिए क्लोज्ड होती है। कैसे होती है? क्लोज्ड। अब देखिए यहां पर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार की है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये किसका करेक्टर? एपोथीसियम। एपोथीसियम में प्रोटीन बॉडी कप लाइक होती है, इसके ऊपर एस्कस होते हैं। देख लीजिए इसका एग्जांपल, जैसे एस्कोबोलस और पेजाइजा। कप लाइक प्रोटीन बॉडी किसमें होती है? एस्कोबोलस में और पेजाइजा में होती है, पेजाइजा में। और पेरीथीसियम इसमें प्रोटीन बॉडी फ्लास्क लाइक होती है, इसमें देख लीजिए फ्लास्क की तरह, घड़े की तरह है, घड़े की तरह, और इसके अंदर एस्कस है ऐसे। और इसका एग्जांपल कौन है? न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है पेरीथीसियम प्रकार की होती है, यानी फ्लास्क शेप होती है। और ये ग्लूबूज का मतलब ये देखिए बाल लाइक, ये देखिए ग्लूबूज स्केटर्ड है, इसमें साई जो होते हैं स्केटर्ड होते हैं, इसमें तो इसी पर है लेकिन इसमें स्केटर्ड है, बिखरे। और क्लिस्टोथीसियम प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी किसमें होती है? जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम में होती है गाइस। तो ये हो गया, ये प्रोटीन बॉडी से संबंधित जो पॉइंट्स थे बहुत ही महत्वपूर्ण गाइस। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन है भाई गाइस, यहाँ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन है। अब इसको आप देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुलनात्मक अध्ययन, यही तो है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर करेक्टर हैं और यहाँ चारों हैं, एक तो फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटीरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये प्रिमिटिव टाइप के थे गाइस, मैंने बताया यहाँ थोड़ा सा एल्गल की करेक्टर थे, तो इस कारण से इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं, यानी कॉमन नेम है। और सेलवाल माइसिलियम कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, सभी में तुलनात्मक। तो कॉमन नेम फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम एल्गल फंजाई, क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा पहले से एल्गी से बिलोंग करता है, प्रारंभिक प्रकार का है एस्कोमाइसिटीज का एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई। और बेसिडियोमाइसिटीज को तीनों, क्लब फंजाई, पफबाल, ब्रैकेट फंजाई, ये तीन नाम है गाइस, तीन नाम यहाँ पर, क्लब फंजाई, पफबाल और ब्रैकेट फंजाई, ये किसके हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के। ड्यूटीरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। अब यहाँ फाइकोमाइसिटीज को देखिए, इसकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, मैंने बताया इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, उमाइसिटीज में है ये, सेलुलोज की बनी होती है क्योंकि प्रारंभिक वाला है। इसकी सेलवाल काइटिन की, या और बेसिडियोमाइसिटीज की सेलवाल काइटिन की, इसकी भी किसकी? काइटिन की बनी होती है। इसका माइसिलियम का ऐसा होता है, फाइकोमाइसिटीज का एसेप्टेट अनब्रांच होता है, और इसमें सिनोसिटिक जो प्रकार का होता है अर्थात नो सेप्टा, इसमें एसेप्टेट मतलब इसमें सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में इसमें सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है, इसमें सेप्टेट और ब्रांच होती है, इसमें भी सेप्टेट और ब्रांच होती है गाइस, ठीक है। अगली बात देखिए, अच्छा इसमें सेप्टा नहीं थे, इसमें सिंपल सेप्टा पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में सिंपल एंड डॉलीपोर सेप्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डॉलीपोर सेप्टा किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटीरोमाइसिटीज में भी कैसा होता है? सिंपल सेप्टा होता है। एसेक्सुअल स्पोर
इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो जो है जूस्पोर है, दूसरा है प्लानोस्पोर। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, जो जूस्पोर होता है मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल होता है गाइस। और इसमें जो इसका स्पोर होता है कोनिडिया होता है मुख्यतः, और इसमें जो है कोनिडिया अब्सेंट, इसमें क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, और इसमें भी कौन सा होता है, कोनिडिया होता है। और इसके थोड़ा सा एग्जांपल की भी मैं बात करता हूं गाइस, और इसका एग्जांपल क्या है इसको भी देखते हैं। देखिए एस्कोमाइस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके एग्जाम्पल देखिए। अब फाइकोमाइसिटीज में जैसे इसका एग्जाम्पल है म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बिगो है, पाइथियम है। और इसमें एस्कोमाइसिटीज में देखिए ईस्ट है, ईस्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, जाइमोलॉजी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेनिसिलियम है, स्पर्जिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। और इसका जो है बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल एगेरिकस, अस्टिलागो, पैक्सीनियम। और इसमें पांच प्रकार का स्पोर होता है, तो कौन सा होता है आगे मैं बात करने वाला हूँ। और इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम है, और ट्राइकोडर्मा है, और फ्यूजेरियम है गाइस। ये एग्जाम्पल हो गए सभी के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के। अब थोड़ा आगे मैं बात करने वाला हूँ, इनमें जो स्पोर होते हैं, पांच प्रकार के स्पोर हैं। यूटीबीपीए, यूटीबीपीए इसको ध्यान रखिएगा जरा, पांच प्रकार के जो स्पोर हैं, ये यूरिडो स्पोर है, टिल्यूटो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, पिकनीडियो स्पोर है, एसियो स्पोर है। तो यूरिडो स्पोर जो होता है ये प्राइमरी होस्ट होता है गेहूं का, यूरिडो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में टीजीटी में गाइस, टीजीटी में पिछले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी होस्ट यूरिडो स्पोर। अब बेसिडियो स्पोर ये जो है इंसॉइल में होगा, और पिकनीडियो स्पोर जो है अल्टरनेटिव होस्ट होता है गाइस, अल्टरनेटिव होस्ट होता है ये पिकनीडियो स्पोर और एसियो स्पोर। यह भी क्वेश्चन बन चुका है टीजीटी का गाइस, ये टीजीटी का एक क्वेश्चन यह भी बन चुका है। एसियो स्पोर जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसका, हीट का, और बेसिडियो स्पोर जो है इन्फेक्टिव स्टेज वो किसका होता है, बारबेरिस का होता है गाइस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और इसकी खास बात क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एप्लानोगैमेटिक कपुलेशन, एप्लानोगैमेटिक कपुलेशन जिसमें बाई मोटाइल गैमेट्स, किसके द्वारा होता है, मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है। ये क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है तब इसमें प्रोसेस होती है, एक तो होती है आइसोगैमी, दूसरा एनआइसोगैमी और उगैमी। देखिए समयुग्म की, विषम युग्म की और अंडयुग्म की। ये आइसोगैमी का मतलब क्या है, दोनों गैमीट जो है समान होते हैं, बोथ गैमीट मार्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी बाहर से देखने में दोनों गैमीट समान होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी कार्की रूप से वो असमान होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम में कैसा होता है, आइसोगैमी होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, देखिए इन दोनों का आकार उतना ही बड़ा होता है, लेकिन एक पॉजिटिव की तरह होता है, दूसरा निगेटिव स्ट्रेन होता है, इससे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब एनआइसोगैमी है, अब एनआइसोगैमी में क्या होगा कि इसमें विषम युग्मकी है, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों प्रकार से बोथ मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, यानी बाहर से भी देखने पर अंदर से भी इसकी कार्य की दोनों विषम होती है। जैसे इसका एग्जांपल है एलोमाइसिस, जैसे देखिए एक प्लस की तरह है और एक माइनस, एक छोटा है और ये कैसा है, ये बड़ा है गाइस, और इससे बन गया आगे जाइए। अब ये उगैमी क्या है, उगैमी में एक कैसा होता है, एक मोटाइल होता है, जो छोटा होता है वो कैसा, मेल स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये एडवांस टाइप का होता है, कैसा होता है, एडवांस टाइप का होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, मोनोब्लिफेरिस, क्या है गाइस, मोनोब्लिफेरिस, ब्लिफेरिस इसका एग्जांपल हो गया गाइस, इसका एग्जांपल हो गया। तो ये हो गए भाई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आइसोगैमी का एग्जांपल, एनआइसोगैमी का एग्जांपल, उगैमी का एग्जांपल, और ये दे देगा और पूछ लेगा कि फिर कंटेंशन क्या कहलाएगी, और दोनों मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अगर डिसिमिलर है तब क्या कहलाएगा। अब कुछ कॉमन डिजीज हैं जो आपको देखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन डिजीज इनको भी आप देख लीजिए। तो कॉमन डिजीज इन प्लांट्स, पौधों में कुछ कॉमन डिजीज हैं जो कवक के द्वारा होता है, जैसे एयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाइट के द्वारा होता है एयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, ये एयरली ब्लाइट लेट ब्लाइट पोटैटो में है, एयरली ब्लाइट ईए, देखिए ईए ठीक है, अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, और लेट ब्लाइट किसके, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इरगॉट ऑफ राई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया तो पूछा गया है बहुत बार, हॉलीफायर डिजीज आल्सो नोन एज हॉलीफायर डिजीज, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ ऑफ
ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा, राइस आप ओराइजेसिटा ही बात, ओराइजी आप समझिए। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट सर्कोस्पोरा, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट सर्कोस्पोरा। डैम्पिंग ऑफ पाइथियम और रेड रॉट ऑफ सुगर केन कोलेटोट्राइकम और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाउडरी मिल्ड्यू इरिस्फी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मट ऑफ मईस अस्टिलागो, ठीक है गाइज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी कुछ और हैं देख लीजिए दो चार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए इनको, जैसे स्मट स्मट ऑफ मईस अस्टिलागो, लूज स्मट ऑफ व्हीट यूरोसिस्टिस, रस्ट ऑफ व्हीट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पक्सीनिया पी आर यू एस मैंने बताया था। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनीसिला और येलो रस्ट ऑफ व्हीट वे भी टीजीटी में पूछा गया है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट मैंने बताया है ये पक्सीनिया की स्पीसीज है, तो येलो रस्ट ऑफ व्हीट यहाँ पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस यह पूछ लिया गया था इसके स्पीसीज सहित। अब कुछ जो रोग हैं जो जंतुओं में होता है कवक के द्वारा उसको भी देख लीजिए, जैसे एथलीट फुट टीनिया रुब्रम के द्वारा, रिंग वर्म किसके द्वारा ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन, और एस्परजिलोसिस लंग डिसऑर्डर करता है गाइज, एस्परजिलोसिस जो लंग डिसऑर्डर करता है फेफड़े का रोग करता है गाइज, ये बहुत ही शॉर्ट में है। और डिप्लोंटिज्म इन सेप्रोलेग्निया ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पूरा मैंने बताया कि बहुत ही मेहनत करके इससे मैंने कलेक्ट किया है, एक जगह निचोड़ किया है गाइज, हर जगह से आप पूरी बुक पढ़ेंगे तब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन यह बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया जा रहा है ये नोट्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, थोड़ा सा राइटिंग अगर आपको छोटी दिख रही है पीडीएफ प्राप्त करना है तो ओनली 10 रुपीज़ लगेंगे, 10 रुपये इस पीडीएफ के लगेंगे गाइज, फंजाई का जिस पूरा आपको ये मिल जाएगा केवल 10 रुपये। और आपको मैसेज करना होगा 9219005022 पर, इस पर कि फंजाई पीडीएफ फंजाई, ठीक है पीडीएफ फंजाई आपको लिखना होगा फंजाई, तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा उस पर स्कैन करके 10 रुपये पे करके आप इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाँ आपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो और अच्छी बात है गाइस, ठीक है। अगर इसके पहले मैंने बताया बहुत सारे लोग पीडीएफ प्राप्त कर चुके हैं, जैसे वायरस का पूरा निचोड़ इसी तरीके से टॉपिक है, वायरस का हो गया था और बैक्टीरिया का हो गया था, वायरस बैक्टीरिया और लाइकेन का हो गया था और माइकोप्लाज्मा हो गया था, माइकोप्लाज्मा हो गया था, तो ये सभी ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया था, नीले हरे सवाल हो गया था, इन सभी का जो पीडीएफ है, इन सभी का पीडीएफ अगर इनको भी आपको प्राप्त करना है तो आपको 20 रुपये पेड करना पड़ेगा और ठीक है, लेकिन स्पेशली फंजाई के लिए 10 रुपये गाइस। चलिए फिलहाल चलते हैं, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का। वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, मोस्टली बडिंग के द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। और वेजिटेटिव में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दो विधियों के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा मोस्टली ईस्ट में होता है, जैसे ये ईस्ट है यूनिसेलर तो ये बड की तरह संरचना निकलती है, टूट जाती है, दूसरा ईस्ट बन जाता है। एसेक्सुअल, जैसे एसेक्सुअल में ये स्पोर है कुछ, जैसे पिकनियो स्पोर है, जैसे एग्जाम्पल इसका पिकनियो स्पोर किसमें, पक्सीनिया में। कुनीडिया, जैसे कुनीडिया किसमें बनते हैं, स्कोमाइस्टिस और डिट्यूरोमाइस्टिस में। एसेक्सुअल स्पोर Absent in basidiomycetes, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर absent होता है किसमें, basidiomycetes में, basidiomycetes में एसेक्सुअल स्पोर absent होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनिडियोफोर्स, जो कोनिडिया धारण करने वाली संरचना है उसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं, जैसे ये है तो इस पर कोनिडिया है तो इसे कहते हैं कोनिडियोफोर्स गाइज। और इक्जोजीनस कोनिडियो फोर्स कैसी होती है, इक्जोजीनस, और ये अनब्रांच होती है किसमें, पाइथियम में, और ब्रांच होती है पेनिसिलियम में। कोनिडियो फोर अनब्रांच पाइथियम में और ब्रांच किसमें, पेनिसिलियम में। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रांच कोनिडियो फोर किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है पेनिसिलियम में। और एप्लानोस्पोर देख लीजिए, पिकनिडियो स्पोर कोनिडिया और कोनिडियो फोर, ये एप्लानोस्पोर है जो कि नॉन मोटाइल होता है। और जू स्पोर यहीं पर है, जू स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, जो दो प्रकार का होता है जू स्पोर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अभी, दो प्रकार का है तो कौन कौन सा है इसको भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। देखिए यहां पर यह जो जू स्पोर है मोटाइल है, दो प्रकार का है, पियर शेप्ड होता है
और एक किडनी शेप्ड होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे किडनी शेप्ड एल्बिगो, पाइथियम, एकाइला और सेप्रोलेग्निया, ठीक है। और ये जो स्पोर होता है जू स्पोर, ये बाईफ्लैजिलेट भी होता है यूनिफ्लैजिलेट, यानी यूनिफ्लैजिलेट और ये बाईफ्लैजिलेट, दो दो प्रकार का। यूनिफ्लैजिलेट किसमें होता है? सिनकाइट्रियम में होता है, सिनकाइट्रियम में। और बाईफ्लैजिलेट जैसे किसमें होता है? पाइथियम में होता है और सेप्रोलेग्निया में होता है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, एक और ये टॉपिक एक बिल्कुल सरसरी निगाह के तौर पर फिनिश होने वाला है। और देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा अगर समझते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया गैमिटेंजियल कपुलेशन होता है। तो अब यहाँ पर, वहाँ पर मैंने बताया कि क्या क्या थे, वहाँ पर तीन प्रोसेस थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं? जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करता है तो उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोमगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूज क्या कहलाता है? कैरियोगैमी। और फिर उसके बाद पहले प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, फिर न्यूक्लियस मिलेगा, फिर उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है यहाँ पर। अब एक थोड़ा सा, ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है, एक तो तुरंत मिलकर के जाइगोट बना देता है, एक तेजी से मिला है जाइगोट बना दिया, और एक थोड़ा सा स्लो कंडीशन में डाइकैरियन फेज पहले बनती है। क्या बनती है? डाइकैरियन फेज। और इसका एग्जांपल डाइकैरियन किसमें देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइकैरियन गैस। अब सेक्सुअल स्पोर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए जरा, जो सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात करें इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो देखिए यहाँ सेक्सुअल स्पोर, ये जो सेक्सुअल स्पोर के बारे में अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के हैं सेक्सुअल स्पोर। एक तो है फाइकोमाइसिटीज में, एक एस्कोमाइसिटीज में, एक बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियो स्पोर कहते हैं उसको। एस्कोमाइसिटीज में दो प्रकार के, फाइकोमाइसिटीज में दो प्रकार के, एक जाइगो स्पोर और एक ऊ स्पोर। जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर बनते हैं, जो कैसे होते हैं? इंडोजीनस होते हैं, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? एस्कोकार्प, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब बेसिडियो स्पोर बनते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर। तो देख लीजिए यहाँ पर जाइगो स्पोर, ऊ स्पोर, यहाँ इसको स्पोर और यहाँ बेसिडियो, बेसिडियो स्पोर। ये कैसा होता है? इग्जोजीनस, इग्जोजीनस होता है। यहाँ इंडोजीनस होता है इसको स्पोर, और ये कैसा होता है? इग्जोजीनस होता है। इसमें हाइफी क्या कहता है? बेसिडियम कहलाती है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? बेसिडियो कार्प कहलाती है गाइस, इस प्रकार का। तो गाइस ये पूरा जो है फंजाई का जो टॉपिक था वह ये लेक्चर फिनिश हुआ। इसके बाद अभी एक टॉपिक और है, ये वो टॉपिक ये है कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और टीजीटी पीजीटी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार के बनने की संभावना है, अभी एक इसका लेक्चर और होने वाला है। तो वह लेक्चर भी आपको क्या चाहिए? अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। और गाइस अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो मैंने बताया आपको कि आपको इस पर मैसेज करना होगा 9219005022, इस पर आपको पीडीएफ लिख करके भेजना होगा, पीडीएफ फंजाई गाइस। तो आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा जिस पर आप 10 रुपये पे करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फंजाई की। और इसके पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए, 5 PDF प्राप्त करने के लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे गाइस। तो चलिए गाइस ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।